नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे स्वास्थ्य निर्भर यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं गंजेपन, यानी कि पुरुष हो या फिर लेडीज हो, जो बालों में गंजापन आ जाता है और जो बाल झड़ने लगते हैं, कमी उम्र से जो बाल झड़ते हैं, जो पुरुष होते हैं उनके 20 से 25 साल जब होती है तब से लेके और 50 साल के बीच में काफ़ी बाल, जो बीच का बाल होता है, बीच का बाल पूरा खाली हो जाता है। तो चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बालों का सही होना बहुत ही ज़रूरी है। नेचुरल और घरेलू उपाय हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जब उनके बाल काफ़ी झड़ने लगते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, काफ़ी तरह के नए नए शैम्पू ट्राई करते हैं, नए नए तेल इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पुरुष हो या फिर कोई भी महिला, उन्हें एक ही तेल और एक ही शैम्पू का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप अलग अलग शैम्पू जो होता है उसमें अलग अलग केमिकल डाला हुआ होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने बालों को झड़ने से कैसे रोकें और उन्हें मोटा काला घना कैसे बनाएं। कि अगर आपके पास प्याज है, प्याज ले लें, उसको अच्छे से छिलकर उसको पीस लें, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। आप ऐसा पीसें जैसे कि कुछ चटनी उटनी घर में जैसे पीसा जाता है, आप उस तरह से उसको पीस लें। आप उसमें 2 से 3 बूंद नारियल का तेल डाल दें, उस जो प्याज का पेस्ट बनाई है आप उसमें 3 से 4 बूंद नारियल का तेल मिलाकर रख दें, 2 मिनट के लिए उसको ढक के रख दें। गंदे बालों में नहीं लगाना है, गंदे बालों में लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। लगाने के बाद जो है आप उसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद आप हल्के गुनगुने पानी से बालों को शैम्पू से धो लें। एक ही शैम्पू आपको हमेशा लगाना है। उसके बाद आप इस नुस्खे को हफ्ते में 3 बार ज़रूर करें, चाहे लेडीज़ हो चाहे पुरुष हो। यह नुस्खा दोनों लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, बालों का गिरना या फिर बालों में डैंड्रफ होना, रूसी होना, खुजली होना, ये सब सारी परेशानी इस नुस्खे से दूर हो जाएगी। अगर आपको यह नुस्खा पसंद आए तो हमें कमेंट बनकर बताना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मिलती हूँ किसी अलग और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।